की बड़ी जानकारी आपको बता दें, विपिन रावत का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली। उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर भी दिल्ली पहुंचेगा और शाम तक सैन्य विमान से दिल्ली लाए जाएंगे। ये पार्थिव शरीर कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक इनके अंतिम दर्शन होंगे। दिल्ली छावनी में ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक बराड़ चौराहे तक अंतिम यात्रा CDS की निकाली जाएगी। तो CDS के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा और उसके साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका का भी पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा और शाम तक सैन्य विमान से उनका शव लाया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली छावनी में ही उनका शव रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन किया जाएगा और दिल्ली छावनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक बराड़ चौराहे तक उनकी एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और CDS के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरे देश में एक शोक की लहर, उस दौरान जब ये दुखद खबर सामने आई कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS विपिन रावत ने भी प्राण गंवा दिए हैं, उनका निधन हो गया है। आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जाएगा और दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में करने की योजना है। और उधर रावत के गृह राज्य यानी उत्तराखंड में राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप पूरी खबर को समझे। जिस तरीके से कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें इस हेलीकॉप्टर में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी भी थी। और दूसरी तस्वीरों में देखिए आप, उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार की तरफ से 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम नेताओं ने उनको नमन किया, उनको याद किया, उनकी शौर्यता को याद किया। इसके अलावा पेंटागन ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, इसमें जो एकमात्र जो पुरुष है वो घायल है, वरुण सिंह है, वो यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। जो एकमात्र जीवित बचे हैं उनमें वो यूपी के देवरिया के रहने वाले वरुण सिंह हैं। वो गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें इसी साल शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। वरुण सिंह के स्वस्थ होने की पूरे देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि वरुण सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गाँव के रहने वाले वरुण सिंह वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। उनकी तैनाती तमिलनाडु के वेलिंगटन में है। तो सबसे अहम चीज है अंजनी, जिस तरह से खबर आई, कहीं ना कहीं तस्वीरों को देखने के बाद एक डर हर किसी के जहन में था। हालांकि शाम होते होते उस डर से, उस खौफनाक बात से सामना भी हो गया। बिल्कुल चारुल, और जिस तरीके से हादसा हुआ, हर किसी का दिमाग में डर था कि कहीं कोई ट्रेजेडी ना हो। और शाम तक वही खबर आई जब हमारे बहादुर सपूत हमारे बीच नहीं रहे। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है।